जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय कर्मचारी चयन आयोग या हम लोग कह लें शॉर्ट में SSC के द्वारा हवलदार के पदों पे और MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों पे वैकेंसी निकाली गई है। बहुत ही अच्छी पद है दोस्तों, हवलदार के लिए 3603 पदों पे वैकेंसी निकाली गई है। तो इस वीडियो में डिटेल से हम लोग बात कर लेते हैं उसके बारे में, आपको चयन की प्रक्रिया कैसे है, एग्ज़ाम कब होगा, सिलेबस क्या है, डेट क्या, सभी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिटेल से बता दूंगा और बाद में ये PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगा आप सभी को। तो देखिए दोस्तों, नोटिफिकेशन आया है, नोटिस आया हुआ है कि मल्टीटास्किंग ये नॉन टेक्निकल रहता है स्टाफ है, और हवलदार CBIC और CBN के डिपार्टमेंट पे डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू रहता है, राजस्व विभाग के अंतर्गत ये पोस्ट आई हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग मैं बता दूँ, जो CBIC है इसका मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, और जो CBN है ये भी राजस्व विभाग के अंतर्गत है, इसका मतलब होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। तो ये दोनों डिपार्टमेंट में हवलदार, यहाँ पे देख पा रहे हो आप, ये जो हवलदार है इसके लिए पोस्ट आई हुई है। तो इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन दोस्तों स्टार्ट हो गए हैं, 22/3/2022 मतलब 22 मार्च से स्टार्ट हो गया है और 30 अप्रैल तक आपको आवेदन करना है, और जो ऑनलाइन फीस पेमेंट है वो आप 2 मई तक भी यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं। तो ये डेट आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन Paper 1 जो होगा वो जुलाई 2020 में लगभग टेंटेटिव डेट से इसकी रखी गई है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट है उसको बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल जो स्टाफ रहेगा Level 1 की पोस्ट है, पे मैट्रिक्स 7th पे कमीशन रहेगा, ठीक है, नॉट गेजेटेड नॉट मिनिस्ट्रियल यहाँ पे पोस्ट रहेगी, सेम वही पोस्ट है एंड हवलदार, ठीक है। ये हवलदार की जो पोस्ट है ये भी Level 1 की पोस्ट रहेगी, 7th कमीशन पे रहेगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे वैकेंसीज बताई गई हैं, यहाँ पे सेकंड नंबर पे वैकेंसीज जो MTS की वैकेंसीज है इसके लिए अभी कितने पद हैं ये नहीं बताए गए हैं, आगे बताए जाएंगे। हवलदार इन CBC एंड CBN 3603 पद यहाँ पर निकाले गए हैं। रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं, अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पर रिजर्वेशन भी रखा गया है इस प्रकार से आप लोग देखते हुए चलिए। आगे बात करता हूँ दोस्तों कि फिजिकली हैंडीकैप वो सभी के लिए यहाँ पर रिजर्वेशन ही है, और सिटीजनशिप आपको सभी को पता है, नेशनलिटी यहाँ पर ये सब आप लोग को पता है। एज लिमिट की बात करता हूँ दोस्तों, किस एज लिमिट के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला यहाँ पर देखिए 18 से 25 साल वाले किस में डालेंगे, यहाँ पर लिखा गया है कि फॉर MTS एंड हवलदार इन CBN, ठीक है, जो डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू लिखा है, CBN मतलब बताया सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में, और 18 से 27 एज मांगी गई है वो लोग अप्लाई करेंगे हवलदार इन CBIC डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू, ये भी है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। इसके बाद मतलब 25 से 27 जिसकी उम्र है इसके बाद अधिक यहाँ पे छूट भी दी जाएगी। जो ये देखिए ST वाले को 5 साल और OBC वाले को 3 साल, उसके बाद PWD 10 साल, 13 साल, 15 साल तक इस प्रकार से और भी छूट दी जाएगी। तो आप लोग अपनी उम्र के अनुसार इसमें आवेदन करेंगे। आगे यहाँ पे एक सर्विसमैन के बारे में डिटेल दिया गया है, कौन होते हैं एक सर्विसमैन, कौन नहीं होते हैं, ठीक है, वो सब यहाँ पे प्रोविजन दिए गए हैं, सबको आप लोग अगर कोई है तो यहाँ पे पढ़ सकता है, अदरवाइज ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ठीक है, 9th में लिया एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यहाँ पे लिखा गया है कि द कैंडिडेट मस्ट हैव पास द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, मतलब आपको 10वीं पास वाले जो अभ्यर्थी हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार दोनों के लिए 10वीं पास जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, जो 10वीं पास कर ली हैं आवेदन करेंगे। यहाँ पे वेबसाइट आपको पता होनी चाहिए SSC की, गूगल में टाइप करेंगे तो ssc.nic.in यहाँ पर आपको आवेदन करना है। फोटोग्राफ के बारे में भी दोस्तों देख लीजिए, फोटोग्राफ आपको कौन सी लगानी है, यहाँ पे JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए, 20 से 50 KB के अंतर्गत इसका होना चाहिए, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3 मंथ से अधिक पुरानी फोटो आप लोग की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे साइज और विड्थ भी लिखी हुई है इमेज की, 3.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। और आगे चलते हैं, इसके बाद मैं आपको और बताता हूँ एप्लीकेशन फीस जो है वो 100 रुपीज़ रखी गई है, ठीक है, 100 रुपीज़ है, लेकिन इसमें उन लोग को छूट मिलेगी, मतलब कोई भी फीस नहीं रहेगी, किसके लिए, SC और ST के लिए, और SC ST PWD के लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं रहने वाली है। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे आगे देखिए आप लोग, मैं और भी चीज़ें बता देता हूँ जो इसमें इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन फॉर्म से संबंधित है, काफ़ी लंबा PDF दोस्तों इसके लिए आया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं जो आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा उसके लिए सेंटर कहाँ कहाँ पर अवेलेबल होंगे आपको एग्ज़ाम देने के लिए। तो SSC अलग अलग रीजन के हिसाब से एग्जाम लेता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए सेंट्रल रीजन में कौन कौन आता है, बिहार और उत्तर प्रदेश, उसके लिए सेंटर ये दिए गए हैं,
जैसे कि मैं छत्तीसगढ़ रीजन से हूँ, मैं आप लोग को बता दूँ तो छत्तीसगढ़ रीजन जो है मध्य प्रदेश के साथ में आता है, कर्नाटका रीजन ही। ये देखिए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश वाले जो होंगे वो डालेंगे एमपीआर रीजन, मध्य प्रदेश सब रीजन में, ठीक है। इसके लिए भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना, सागर, उज्जैन, बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग भिलाई, छत्तीसगढ़ में तीन जगह हैं, बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग भिलाई, यहाँ पे आपको सेंटर दिए जाएंगे एग्जाम के। तो ये एग्जाम का सेंटर भी आप लोगों ने देख लिया। इसके बाद आगे की जानकारी इसमें जो इम्पोर्टेंट बताते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। इसके बारे में देखिए दोस्तों, द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। पेपर में सबसे पहले होगा, उसके बाद फिजिकल सफिशिएंसी टेस्ट या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा आपका, जो केवल हवलदार में पोस्ट में अप्लाई करेंगे उन्हीं का होगा। उसके बाद एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव पेपर, पेपर नंबर यहाँ पे देखिए सेकेंड वाला लिखा गया है, ये होगा। कहने का मतलब ये है, जो हवलदार पद के लिए अप्लाई करेगा वो पेपर वन भी देगा, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और पीटी दोनों देगा, उसके बाद एक पेपर सेकंड होगा जो डिस्क्रिप्टिव प्रकार का रहेगा। ये तीन देने हैं, और जो केवल एमटीएस में आवेदन करेगा उसको पेपर वन और पेपर टू देने पड़ेंगे, उसको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं देना होगा, ठीक है। अब देखिए पेपर वन का सिलेबस यहाँ पे बता देता हूँ, या फिर किस पैटर्न में आएगा। तो यहाँ पे चार पोर्शन में रहेगा आपके पास, जनरल इंग्लिश 25 नंबर के, ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 नंबर का, उसका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस, ये 25-25 नंबर के रहेंगे। 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा और 100 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप का पहला पेपर रहेगा, यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, मल्टीपल चॉइस के यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर रहेगा, लेकिन जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये आपको इंग्लिश में ही मिलेगी। माइनस मार्किंग भी दोस्तों होगी आपकी, 0.25% यहाँ पे माइनस मार्किंग भी रखी गई है, ठीक है। तो इसके बाद आगे चलते हैं पेपर टू, यहाँ मैं बताया था पेपर टू डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा किस टाइप का होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा। यहाँ पे देखिए, शॉर्ट एसे एंड लेटर इन इंग्लिश और इन एनी लैंग्वेज इंक्लूडेड द इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 25-25 नंबर के एक लेटर लिखने के लिए आएगा, मतलब आवेदन पत्र आपको आएगा, और आपको एक ऐसे भी लिखना पड़ेगा, मतलब निबंध भी लिखना पड़ेगा, 25-25 नंबर के दोनों रहेंगे, किसी भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, एक लैंग्वेज इंग्लिश कंपलसरी रहेगी और दूसरी लैंग्वेज आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो 8वीं शेड्यूल भारत के संविधान में सूची में दी गई है। तो इस प्रकार का पेपर सेकंड रहेगा। जो सिलेबस है पेपर वन में जो पूछा जाएगा उसको देख लीजिए, सिलेबस में बता देता हूँ, ये देखिए आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं अलग अलग, ये इंग्लिश लैंग्वेज का पूरा सिलेबस है जहाँ पर दिया गया है, ये वाला इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस है, इससे संबंधित चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सिलेबस ये है, यहाँ से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, यहाँ मैथ्स है, ये इसके सिलेबस ये यहाँ है, आप वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जनरल अवेयरनेस, ये काफ़ी बड़ा है, जनरल अवेयरनेस की देख लीजिए, ये सिलेबस है, ठीक है, जनरल अवेयरनेस का सिलेबस इस प्रकार का है, सभी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। पेपर टू आएगा उसके बाद, ठीक है, पेपर टू आगे चलते हैं दोस्तों। अब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात कर लेते हैं, पेपर वन पेपर टू की मैंने बात कर ली है, मैंने बताया अभी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कौन देगा, पोस्ट हवलदार इन CBCIN और CBN पोस्ट वाले ही हवलदार का यहाँ पर देंगे। तो बहुत ही सिंपल रखा गया है, इसमें कुछ भी स्टैंडर्ड नहीं है ज़्यादा इसमें। देखिए मेल कैंडिडेट जो लड़के होंगे वो वॉकिंग करेंगे, 1600 मीटर की वॉकिंग 15 मिनट में, बहुत आराम से हो जाएगा ये, और जो लड़कियाँ रहेंगी वो भी वॉकिंग करेंगी 1 किलोमीटर 20 मिनट में करेंगी, साइकिलिंग भी आपको करना है 8 किलोमीटर की 30 मिनट में और 3 किलोमीटर की 25 मिनट में लड़कियाँ करेंगी, ठीक है। तो ये जो चीज़ें दोनों बहुत ही आसानी से हो जाएंगी। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करूँ, अपना हाइट और वेट मेजर करने के बाद ही इसमें अप्लाई करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए दोनों को मैं एक साथ बता देता हूँ। देखिए जो हाइट रहेगी मेल के लिए, यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, 157.5 सेंटीमीटर रखी गई है और 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन रखा जाएगा, जिसमें गढ़वाली, असम और जो ST कैटेगरी के होते हैं, गोरखा शेड्यूल ट्राइब, उनके लिए 5 सेंटीमीटर छूट भी यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। आगे देखिए जो चेस्ट रहेगा लड़कों का, वो 76 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन भी यहाँ पे होना चाहिए। फीमेल के लिए यहाँ पे हाइट रखी गई है 152 सेंटीमीटर और वेट 48 केजी उन लोग रहना चाहिए, और 2 केजी का रिलैक्सेशन मिलेगा और 2.5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा उनको हाइट में, जो गढ़वाल से होंगे, असमीस होंगे, गोरखास होंगे और शेड्यूल ट्राइब के होंगे। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। अगर मैं इसके बारे में और बात कर देता हूँ, एडमिशन टू एग्जामिनेशन, ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आप लोग देख लेंगे,
ठीक है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सभी के पास डॉक्यूमेंट जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट होते हैं उन्हीं डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराया जाता है। और यहाँ पे इस जो PDF आया हुआ है तो यहाँ पे देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है पेपर वन में, ठीक है, अगर जनरल कैटेगरी से यहाँ पे 30%, OBC और EW से तो 25% और अदर कैटेगरी से केवल 20%। ऐसा नहीं है कि 20% आपके मार्क्स हो जाएंगे तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे, मिनिमम पासिंग मार्क्स है, ठीक है, मैक्सिमम आपको लाना है कट ऑफ प्राप्त करने के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि इसमें आगे ये सब लिखा गया है, पेपर वन में क्वालिफाइंग हो गया, अब पेपर टू के लिए भी देख लीजिए, पेपर टू के लिए क्वालिफाइंग नेचर मतलब जो ऐसे वाला है, पेपर टू विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है इसके लिए, जनरल के लिए 40% नंबर नहीं जुड़ेंगे क्वालिफाइंग नेचर का है, और अदर कैटेगरी के 35% आपको लेटर और ऐसे में लेकर के आने होंगे तभी आपका यहाँ पर आगे के लिए सिलेक्शन हो पाएगा। तो इस प्रकार से पूरा PDF आया हुआ है दोस्तों, ये PDF को प्राप्त करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं जो कि नीचे दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, ये PDF को मैं वहाँ पर डाल दूंगा। अदरवाइज आप SSC की जो वेबसाइट पर जाएंगे वहाँ पर भी आपको ये जो PDF है वो मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और जब इस PDF के लास्ट में जाएंगे तो आपको यही बताया गया कि किस प्रकार से फॉर्म भरना है, किस प्रकार से फोटो लगाना है, यहाँ पर आप लोग को दिखा देता हूँ। ये फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर डिटेल दिया गया, इस प्रकार से आपको नाम वगैरह सब डालना है। फोटो जब आप लोग अपलोड करेंगे तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे, यहाँ फोटो पे ये दिया गया कि फोटो कैसी लगानी है और कैसी नहीं लगानी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सेकंड आगे के लिए है, फॉर्म भरने का डिटेल दिया गया है, ठीक है, रीज़न वगैरह सेलेक्ट करने के लिए, फोटो सिग्नेचर इस प्रकार से आपको अपलोड करना है, और ये इस प्रकार की फोटो, आपकी फोटो कौन सी एक्सेप्ट होगी, सिर्फ ये वाली इस प्रकार से फोटो एक्सेप्ट होगी, बाकी देख रहे हैं इस प्रकार का टोपी वगैरह ये सब अपलोड आपको मतलब एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा आपका, तो इस प्रकार का कोई गलती नहीं करेंगे। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।